मैं किसी के प्रचार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने की वजह से बंधा हूँ। तो मैंने अब मैं पहले कह रहा था कि मुझे पार्लियामेंट के हलकों में कहीं भेज दिया जाए, परंतु अब मैंने मन बना लिया कि मैं कहीं किसी के प्रचार में कहीं नहीं जाऊँगा। मुख्यमंत्री शरीफ आदमी, परंतु जिस जगह पहुँच चुके हैं वहाँ सराफते नहीं चलती हैं, वहाँ विवेक भी चलता है अपना। और मुझसे कहा गया कि पंडित जो है मुख्यमंत्री को आदेश जो है उपदेश न दे, ठीक है वो मुख्यमंत्री है मुझसे बहुत बड़े, परंतु मैं उम्र में उनसे बहुत बड़ा हूँ। उम्र में हमने राजनीति बचपन से देखी है। मैं चाहता हूँ कि वो बहुत ऊपर जाएं, बहुत ऊपर जाएं, परंतु ऐसे लोगों से जरूर बचें। बहुत ऐसे लोग राजनीति के अंदर आते हैं, जब राजनीति के अंदर उनसे, क्योंकि शराफत ही आपका कहीं आपके लिए जो है मुश्किल ना हो जाए, आप उनकी पहचान करें और कौन लोग हैं उसके लिए आप भी जानते हैं। यदि उसका ससुर, आज बहुत बड़ा प्रचार किया जा रहा है, उनका लड़का चला गया 2.5 साल, अभी 6 महीने पहले कैंसर से 3 साल लड़ाई लड़के जो लड़का चला गया, एक बेटी है उसके लिए, यदि वो अपने जवाई के लिए वहाँ बैठे हैं, रात को भी यहाँ पर आए, लगातार दौड़े मेहनत कर रहे हैं, ठीक है दिल्ली से आकर राजनीति अलग, दिल्ली की राजनीति होती है, परंतु यदि अपने सन इन लॉ के ज्वाइन के लिए जो है वो काम करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ परिवार ही खड़ा होता है, राजनीति के परिवार खड़ा नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस ऐसी परिस्थितियों के बावजूद आज जो है वो बेटे के साथ खड़े हैं, तो मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो ऐसी बातें करके लोगों के अंदर प्रचार करना ये गलत बात है। मुख्यमंत्री जी आप जो हैं प्रदेश के विकास की बात कीजिए, पंडित सुखराम जी को भूल जाइए, अनिल शर्मा को भूल जाइए, हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए पंडित सुखराम जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं पार्टी से बंधा हूँ इसलिए पार्टी के बीच में हूँ, परंतु मुख्यमंत्री क्या होना चाहिए? यदि जिला का मुख्यमंत्री है तो डर होता है एक मुख्यमंत्री का, यदि वो डर होता तो मंडी की सड़कों की हालत ऐसी नहीं होती, स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत ऐसी नहीं होती। मैंने इस बात को जो कैबिनेट के अंदर कहा तो स्वास्थ्य मंत्री जो इसमें नाराज हो गए, क्या आपने ये बात क्यों रखी, जनता के बीच माफी क्यों मांगी? तो मैंने कहा कि स्वास्थ्य मुख्यमंत्री हो और जो हॉस्पिटल जो है ऐसा नजर आए वो सिविल हॉस्पिटल के तहत वहाँ पर जो है हालत उसकी हालत हो जाए, मेडिकल कॉलेज के जो है आपने खोल दिया, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं। यदि वो कहते हैं कि बहुत सी चीज़ें आपके मन में दफन है, हमारे मन में बहुत कुछ दफन है, जब समय आएगा तो हम उसकी बात करेंगे, परंतु आप राजनीतिक लोगों के अंदर अपने काम के ऊपर लोगों के पे जाए, छोड़ दीजिए पंडित सुखराम को, छोड़ दीजिए अनिल शर्मा को, आश्रय शर्मा जो है एक नौजवान जो है यदि उतरा है मैदान में, आदरणीय शांता कुमार जी और दूसरे नेताओं का भारी दबाव मेरे पर रहा कि आप अपना पक्ष जो है क्लियर कीजिए। पक्ष मैंने पहले रख दिया था कि मैं ना ही पार्टी की मदद कर पाऊंगा, ना ही मैं अपने बेटे की मदद कर पाऊंगा। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा मेरे चुनाव क्षेत्र में जाके कि मंत्री गायब है, मैं तो शिमला में था और शिमला में रहना, क्योंकि या तो मंत्री जो हैं आजकल प्रचार में लगे हैं और जब मैं प्रचार नहीं कर सकता हूँ तो उस वजह से जो है मैंने उचित समझा कि मैं शिमला में था। और एक विश्वास खोना, यदि मुख्यमंत्री को अपने मंत्री पर विश्वास ना हो तो मैंने उचित समझा कि जो है मैं अपने त्याग पत्र दे दूँ, और जो उनके ऊपर कोई ऐसी बात ना आए हुए थे वो, मैं तो कहा था पहले कि जब आप त्याग पत्र मांगेंगे मैंने 1 मिनट के अंदर त्याग पत्र दे दूँगा, परंतु त्याग पत्र नहीं मांगा गया, उनके कोई राजनीतिक कारण हो सकते हैं, पर मैंने इस स्थिति में कि उनके ऊपर कोई बात ना आए मैंने अपना त्याग पत्र दे दिया है। जो सेवाएं मैं लगभग 1.25 साल से प्रदेश के अंदर देने में कायम रहा, जो मेरे विभाग दिया गया उसमें मैंने काम करने का प्रयास किया, और इसमें कई बातें जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा कि प्रदेश के अंदर जो है जब आदरणीय जब मुझे इसमें जहाँ सरकार बनी तो पंडित सुखराम जी मेरे पास आए और मुझसे बड़े बड़े विभागों की बात की, और दोनों मेरे को कहा कि अपने पिता के साथ जयराम जी आप देवी देवताओं पर विश्वास करते हैं और जिस क्षेत्र से आप आते हैं देवी देवता के ऊपर ही आप विश्वास करके जो उनसे रहते हैं, आप बता दीजिए कहाँ मैं अपने पिता के साथ जो है विवाह मांगने आया था। यदि मैं सच्चा हूँ, मैं क्योंकि मैं कभी राजनीति के अंदर झूठ बोल के राजनीति नहीं करता, ना मैं अपने पिता के साथ आया था विवाह मांगने, मुझे किसी ने कहा कि आपको ऊर्जा विभाग दिया जा रहा है, और जहाँ तक भी बात रही कि मेरे पिताजी से पता चला था कि उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से मिला था और प्रदेश में पीडब्ल्यूडी विभाग की मैंने मांग की थी, तो मैंने कहा आपने पीडब्ल्यूडी विभाग क्यों मांगा इस प्रदेश के लिए यदि आपने मुख्यमंत्री से बात की है, तो उन्होंने कहा कि मैंने ऊर्जा, क्योंकि मेरा एक रहा जब मैं ऊर्जा मंत्री रहा तो प्रदेश के अंदर मैं ऊर्जा क्रांति लाना चाहता था और वो मेरे से सपना पूरा नहीं हुआ, और जब पीडब्ल्यूडी का मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि प्रदेश के अंदर यदि मैंने संचार लाया, संचार क्रांति लाई है,
आज प्रदेश की सड़कों की हालत देखकर मुझे लगता है कि प्रदेश के अंदर सड़कों का एक ऐसा नेटवर्क होना चाहिए। उसके पास, उसके लिए भी उनके पास एक कार्यक्रम था, मुझे कह रहे थे कि मेरे पास एक ऐसा कार्यक्रम है जिसको मैं प्रदेश की सड़कों को ऐसा बना दूंगा जिससे कि सड़कों का जो है, एक हमारी सड़कें जो हैं बहुत अच्छी होगी। और उनके एक सपना है कि प्रदेश के अंदर लोग आएँ, टूरिस्ट आएँ, जब टूरिस्ट आएंगे तो प्रदेश की सड़कों को देख के लगे कि प्रदेश के अंदर वो आए हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि एक वो बात उन्होंने कही होगी, दूसरा उन्होंने एक बात उन्होंने बड़े मन से बना ली, वो मन से जो बात उन्होंने अपने रखी है, उन्होंने कहा मुझे नेता नहीं मानते। मैंने कभी नहीं कहा कि वो हमारे नेता नहीं, विधायक दल के नेता हो सकते हैं, परंतु नेता बनना मैंने कहा था कि यदि मैंने मुख्यमंत्री का जिक्र किया, उसने पंडित सुखराम का जिक्र किया था, पंडित सुखराम मुख्यमंत्री नहीं बने परंतु नेता बने। और नेता का मतलब होता है कि लंबे सफ़र, राजनीति के लंबे सफ़र में जब आप काम करते हैं तो आप नेता बनते हैं। और जयराम जी आप भी नेता बनेंगे यदि आप अपने भविष्य में आप जो है काम करते जाएंगे, एक पहचान बनाते रहेंगे, उसके लिए आप भी नेता बनेंगे, उसके लिए आपको केवल आहत होने की जरूरत नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि आप विधायक दल के नेता नहीं हैं या मैं आपको नेता नहीं मानता हूँ। इस तरह की बातें उन्होंने कही कि पंडित सुखराम जी आए, टिकट मांगने आए मेरे पास और मेरी ज़मीन खिसक गई। क्या टिकट मांगना, क्या गुनाह कर लिया हमने? यदि पंडित सुखराम जी ने सोचा कि अपने पोते के लिए टिकट मांगने की बात है, वो हम कहते हैं परिवार को, हम परिवार को ही नहीं करना चाहते, परिवार के लिए नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि हमारे कुछ नेताओं के बच्चे आज ठेकेदारी करते हैं, पैसा कमाते हैं। ना मैंने ठेकेदारी की, ना मेरे बेटे ने कभी ठेकेदारी की, हम लोगों ने कभी ठेकेदारी करके जो पैसा कमाने का एक राजनीति को कभी अर्थ माध्यम नहीं बनाया। बहुत से ऐसे नेता हैं जिन्हें, जिनके बच्चे जो हैं आज केवल जब मंत्री बनते हैं तो ठेकेदारी करके जो पैसा कमाने का काम शुरू करते हैं। हमारे परिवार ने कभी ऐसा नहीं किया, ना मैंने किया, ना मेरे बेटे को शौक था। और इसलिए कारण था कि आज वो, इन्होंने कल एक बहुत बड़ी बात की मुख्यमंत्री जी ने, यदि मेरे संबंधी के बारे में उन्होंने कहा है, मेरे संबंधी में कहीं भी यदि प्रिंट मीडिया में लिखा होगा, परंतु मैंने उनको कहा कि आपने मुख्यमंत्री के बारे में ऐसा क्यों कहा, उन्होंने कहा कहीं भी आप इसको पता कर लें, कहीं भी प्रिंट मीडिया में लिखा जो होगा पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखें, मैंने ये जो कहा था कि बुजुर्गों की मान सम्मान करना चाहिए,